नमस्कार। आज से एक नई सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें जो न्यूज़पेपर है उसकी जो मेन न्यूज़ रहती है वो आपको 5 से 10 मिनट में डिस्क्रिप्टिव वे में बताई जाएगी। जैसे आज की जो मुख्य खबरें हैं जिनको हमें पढ़ना और जिनको समझना है, तो यहाँ पर अगर फ्रंट पेज देखते हैं तो इसमें कोई ऐसी न्यूज़ नहीं जिसको लेकर के हमें उसको कोई नोट्स बनाना पड़े या उसको पढ़ना पड़े। अगला पेज जो रहता है न्यूज़पेपर में वो सब लोकल, जिस नगर का एडिशन होता है उसके संबंध में न्यूज होती है, तो वो भी हमारे किसी काम में नहीं आती है। इसके बाद फिर जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो सिर्फ इतनी सी है कि आईपीएल जो 2020 के लिए है वहाँ पर खिलाड़ियों की नीलामी, वो वाला सत्र संपन्न हुआ यानी 13वें सत्र के लिए यहाँ पर। तो इसमें बस इतना सा है कि सबसे जो महंगे खिलाड़ी रहे वो रहे पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के जो तेज गेंदबाज, इसे कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.5 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा। दूसरे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल रहे ऑस्ट्रेलिया के, इन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने 10.75 करोड़ में खरीदा। क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 10 करोड़ में खरीदा। अब ये सबके नाम भी कोई इतने महत्वपूर्ण जरूरी नहीं है, कारण कि कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि कौन से खिलाड़ी को कितने में खरीदा गया। ठीक है, तो वो तो जब पूछते हैं कि आईपीएल में कौन विनर रहा, किसको कौन सा अवार्ड मिला, उसके संबंध में चीज़ें आती हैं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा उसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो ये सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए कि हाँ आगे चल कर के कभी ये नाम याद रह सकें कि कौन सा प्लेयर किस टीम में है, सिर्फ इस पर्पज से। इसके बाद जो पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके विरोध में कुछ न्यूज हैं अलग अलग शहरों में। अनावश्यक रूप से जो विरोध किया जा रहा है राजनीतिक कारणों की वजह से या उस बिल की समझ ना होने की वजह से, वो सारी खबरें हैं। तो विरोध जो किया जा रहा है उसको लेकर कोई ऐसा टॉपिक नहीं बनता है कि जिसमें आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जो दिल्ली में जो रेप केस हुआ था सामूहिक रूप से, उसके सजा माफ़ी के लिए बार बार याचिका और ये सब सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और जिस उनके वकील उसको 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया। ये सारी न्यूज़ इसमें आज के उसमें फ्रंट पेज पर मिलती। इसके बाद आगे इसमें जो भी है वो सब लोकल है, उनमें से कोई न्यूज़ आपको पढ़ने की नहीं होती है, इन सबको आप छोड़ देंगे। यदि जब तक आपका शहर की खबरों में इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहाने या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनका कोई लेना देना। अब जो पढ़ने के लिए मैटर है वो पेपर में एडिटोरियल आता है, तो इस एडिटोरियल में जब लेफ्ट कॉर्नर में आप देखोगे तो ये जो भी करेंट में चलता है उसके संबंध में उस समाचार पत्र के संपादक के द्वारा निकाला जाता है। इसमें काफ़ी अच्छी न्यूज आती है, उनको पढ़ करके हमारे व्यूज भी बनते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि देश में चल क्या रहा है। तो यहाँ पर बताया गया कि नागरिकता संशोधन जो कानून है उसके विरोध में जो विरोध जिस ढंग से किया जा रहा है, यहाँ पर कई सारे एनजीओ, कई सारे यहाँ पर फिल्म कलाकार इसको मनमाने ढंग से विरोध कर रहे हैं, तो इस विरोध में इसमें बताया गया है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो राजनीति की जा रही है वो विपक्षी पार्टी के द्वारा। इसमें लिखा है कि मनमोहन सिंह जब विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने खुद मांग की थी कि ऐसे अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश और इन देशों से प्रताड़ित होकर वापस आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाए। आज जबकि इसके संबंध में कानून बना दिया तो यही पार्टी उनके विरोध में बनी हुई है, तो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें इसके लिए इनका वीडियो भी जारी किया गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है एडिटोरियल में वो है पाकिस्तान के संदर्भ में। पाकिस्तान, वहाँ हमेशा से सेना का विशेष रोल रहा, तो वहाँ पर एक विशेष अदालत ने 17 दिसंबर को फैसला सुना दिया कि पाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। और फांसी की सज़ा ही नहीं सुनाई गई, यहाँ पर ये भी कहा गया है कि यदि मुशर्रफ मृत पाए जाते हैं तो उनके शव को घसीट कर लाएं और इस्लामाबाद के चौक पर 3 दिन के लिए सूली पर चढ़ाएं। पाकिस्तान में हमेशा से सेना मजबूत रही है और सेना जिसे चाहती है वही व्यक्ति वहाँ पर प्रधानमंत्री बन के रह पाता है। इस संबंध में हुआ ये था कि 2016 से ये परवेज मुशर्रफ अपना इलाज कराने के लिए दुबई में भर्ती हैं।
एक कानून बनाया गया था पाकिस्तान में सन 1973 में, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने इस कानून में, वहाँ का जो कानून है आर्टिकल नंबर 6, उसमें ये प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान के संविधान को नहीं मानता है, उसको हटाने की कोशिश करता है, तो उसको देशद्रोही माना जाएगा और देशद्रोह के आरोप में उसे उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। तो ऐसा उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था, लेकिन इस कानून को लागू करने के बाद इस कानून का शिकार यही हुए थे, क्योंकि इन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि पहले पाकिस्तान में दूसरे जो सैनिक तानाशाह थे, जैसे अयूब खान हुए, याहा खान हुए, तो उनके द्वारा भी इसी प्रकार से कोशिश की गई, लेकिन उस कोशिश में ये तो पास हुए नहीं, बल्कि आगे चलकर जो जनरल जियाउलहक थे उन्होंने इनको, भुट्टो साहब को हटा दिया और उन्हें फांसी पर लटका दिया। 99 में मुशर्रफ के साथ भी यही हुआ, ये जो वहाँ की सेना के प्रमुख थे, वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, तो उन नवाज शरीफ को हटा करके उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली और इसके बाद मुशर्रफ धीरे धीरे राजनीतिज्ञों पर, इन सब पर अपना दबदबा बनाते गए और वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश थे इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी, उनको उन्होंने बर्खास्त भी कर दिया, नज़रबंद भी करा दिया। इस बात का पाकिस्तान के जो जज थे उनमें भारी विरोध भी हुआ। उसके बाद मुशर्रफ ने पाकिस्तान के संविधान को भी निलंबित कर दिया था और बाद में संविधान की बहाली हुई तो उन्होंने सेना का पद छोड़ दिया और सिविलियन राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। उसके बाद वो राष्ट्रपति हैं तो वो सारे आरोप जो थे उसी आरोपों के संदर्भ में, यानी उनको भी देशद्रोह मानते हुए, यहाँ उनके खिलाफ ये चीज़ें सामने आई। चूँकि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी रही है कि वहाँ लोकतंत्र के नाम पर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी सेना चाहती है वो होता है, सेना जिसे चाहती है वो व्यक्ति वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनता है, जैसे कि वर्तमान में जो इमरान खान है वो सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि सेना का उनको समर्थन मिला हुआ है। तो ये एक वहाँ की महत्वपूर्ण है न्यूज जो आप देख सकते हैं। तो पाकिस्तान जो अपने घर में डेमोक्रेसी नहीं चला पा रहा है, उसको हमारे देश के आंतरिक मामलों में विशेष रूप से इंटरेस्ट रहता है। तो ये एडिटोरियल में ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इसका यूज ये रहता है कि आपके व्यूज बनते हैं, आपको कुछ कंटेंट मिल जाता है अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए, यानी मुख्य परीक्षा में वो शब्द लिखने के लिए, और डे टू डे नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद इस पेज पर कोई ऐसी न्यूज नहीं जो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर जो अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहाँ पक्ष और विपक्ष ये सारी बातें होती रही, बस इसमें महत्वपूर्ण बात इतनी है कि अनुपूरक बजट पेश किया गया। तो अनुपूरक जो बजट, यानी बजट अनुपूरक से मतलब है कि बजट में जो प्रावधान किए जाते हैं यदि वो पैसा कम पड़ जाए तो फिर उसके लिए फिर से वहाँ पर अनुपूरक मांगें रखी जाती हैं, तो उस पर वही प्रक्रिया अपनाते हैं जैसे कि बजट के संदर्भ में अपनाई जाती है। 23,319 करोड़ रुपए का यहाँ पर अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया जिसे बाद में पारित करा लिया जाता है। बाकी जो कुछ भी है इसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली बात है। महत्वपूर्ण एक खबर और आपको पढ़ना पड़ेगी कि भोपाल और इंदौर में आईफा अवार्ड 2020 का आयोजन किए जाने की घोषणा की जा रही है। इससे मध्य प्रदेश को, भोपाल और इंदौर को वैश्विक स्तर पर, नेशनल लेवल पर एक पहचान मिलती है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, तो ये यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद 2700 करोड़ की राहत राशि दी 3 साल में केंद्र ने, ये भी कोई विशेष न्यूज नहीं जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा एक और कि आंगनबाड़ियों में अब अंडे परोसने की जो बात थी वो राजनीतिक विवाद में फंसी, तो उसमें ही थोड़ा बहुत संशोधन है कि जो व्यक्ति चाहेगा उसको सप्ताह में 3 दिन अंडा दिया जाएगा। अभी 10 राज्य बच्चों को उन भोजन में अंडे खिलाते हैं, तो ये बातें थी। इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं जिसके बारे में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है या जिसको लेकर कोई क्वेश्चन आ सकते हैं कहीं पर भी। मंत्रियों ने विजन 2020 जारी किया, तो ये विजन है, राजनीतिक विजन है, इससे कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं होती है। इसके बाद आता है एक इंटरनेशनल न्यूज है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो वो जो महाभियोग की प्रक्रिया है, यहाँ पर
जो अमेरिकी संसद उसका जो लोअर हाउस होता है उसने इसको क्लियर कर दिया है कि हाँ इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। तो वहाँ पर चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत में है तो उन्होंने इसको पास कर दिया है। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो महाभियोग है अमेरिका में कितने राष्ट्रपतियों के खिलाफ आया या चला, तो 243 साल में अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसे महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो। चलाया जाता है जैसे 98 में, थोड़ा हम पीछे जाएं, बिल क्लिंटन उनके ऊपर चलाया गया था, उनके ऊपर जानकारी छिपाने के आरोप लगे थे मोनिका लेविंस्की के साथ जो उनके संबंध थे इस बात को लेकर, लेकिन वो महाभियोग प्रूव नहीं हो पाया था, बच गए थे। इसके पहले 1886 में एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ चला था मगर वो भी सीनेट से बच गए थे। 1974 में वहाँ के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के खिलाफ चला था लेकिन जब मतदान होता उसके पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया और ये हुआ। तो यहाँ पर सीनेट में अब जाएगा लोअर हाउस से निकल के, तो सीनेट में चूंकि इनकी पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी वो बहुमत में है तो इसलिए इनके भी पूरे बच निकलने का रास्ता खुला हुआ है। भारत मूल के जो सांसद हैं उन्होंने इस महाभियोग के प्रस्ताव में वोट दिया था। इसके बाद अगली न्यूज है कि भारत और अमेरिका जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ विश्व में शांति और अपनी सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये 2+2 वार्ता हुई। इसमें वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री दोनों आपस में यहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडियन और पैसिफिक रीजन में लेकर के काम करते हैं। तो जो भी समझौते होते हैं जैसे कोई और अन्य कानून जिसके मार्ग में रुकावट आती है तो उसको दूर करने की बात की जा रही है। दोनों देशों ने यह इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, ये एक नया डॉक्यूमेंट है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। नाम याद रख सकते हैं कि कौन कौन भाग लेने गया था, तो अमेरिका में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर गए, वहाँ पर मार्क एस्पर और माइक पोम्पियो इनके साथ ये बातचीत होती है। तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज है। इस न्यूज से भारत विश्व स्तर पर अमेरिका और इन सब के साथ अपने संबंधों को बढ़ा करके, हमारे कुछ ऐसे देश हैं जो चीन जैसे देश उन पर दबाव बना सकता है। प्लस अगली न्यूज है कि पाकिस्तान डरा हुआ है बहुत ज़्यादा, जब से 370 जम्मू कश्मीर में हटाया तो बार बार पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि हमारे देश में अशांति फैलाए, आतंकवादियों को भेजे, लेकिन सेना उसी समय से काफ़ी मजबूत है और जो भी गोलीबारी की जाती है उसका जवाब भी दिया जाता है। तो उससे संबंधित है कि वहाँ पर उन्होंने और सेना जमा रखी है, तो उसके संबंध में जो भारत है, भारत की सेना पहले से और ज़्यादा मुस्तैद है। ठीक, तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण न्यूज़ हो जाती है। इसके बाद इस वाले पेज पर और कोई न्यूज़ नहीं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला है यहाँ पर जो आर्थिक संदर्भ में अगर डे टू डे की बात करें तो डे टू डे में कोई विशेष है नहीं, बस इतना है कि नीति आयोग के जो CEO अमिताभ कांत उन्होंने बोला है कि जो टूरिज्म है, पर्यटन उद्योग काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री माना जाता है मॉडर्न आज के समय में, ये सर्विस सेक्टर में आता है, तो टारगेट इन्होंने दिया है कि 2022 तक $50 अरब लगभग राजस्व मिलना चाहिए। और ये इन्होंने कहाँ पर बोला, तो भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के 15वें वार्षिक सम्मेलन में, वहाँ पर इन्होंने ये बात की हुई थी। चूँकि पर्यटन से न सिर्फ हमें राजस्व मिलता है बल्कि इससे कई सारे और अदर सेक्टर उनको भी फायदा होता है, युवाओं को रोजगार मिलता है, परिवहन जो होते हैं उनको फायदा होता है, स्थानीय स्तर पर जो होटल श्रृंखलाएँ उनको फायदा होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें यानी हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देने में सहायता पहुँचाती हैं। इसके बाद अगला जो न्यूज है, रियल सेक्टर एस्टेट में 9%, तो ये भी किसी काम का नहीं है। इसके बाद एक थोड़ी सी न्यूज ये RBI इसके संबंध में है कि बॉन्ड्स के संदर्भ में कहा जा रहा है। बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि कंपनियों को बॉन्ड सरकारी कंपनियां जारी करती हैं, यहाँ पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी निश्चित ब्याज दर पर हमसे एक प्रकार से उधार लेती है और दिए गए समय में वो पैसा ब्याज के साथ वापस कर देती हैं। ये जो रेट है ये बैंकों में जो हम FD करते हैं या अन्य कोई निवेश करते हैं उससे ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर RBI ने जो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड रहते हैं यानी 1 साल 2 साल
तो इस प्रकार के बॉन्ड जारी करने की कोशिश की है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में लोग निवेश करते हैं तो वही कर पाते हैं जिनके पास पैसा हो, और जिसके पास लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं है वो चाहता है कि छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए हमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए। तो विश्व के अनेक देश इस प्रकार का फॉर्मूला अपनाते हैं, RBI भी इसी प्रकार से चीज़ें कर रहा है। फ़ायदा जो बताया जा रहा है वो ये कि लंबे समय के जो कर्ज या लोन मिलते हैं उसमें फ़ायदा होगा, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम होगी। इसके अलावा यहाँ पर और कोई ऐसी न्यूज़ नहीं, हालांकि जो हिंदी न्यूज़पेपर होते हैं उनमें अर्थशास्त्र या आर्थिक सेक्टर से विशेष कोई डाटा आते भी नहीं है, तो उसके लिए आपको अलग सोर्सेस देखने पड़ते हैं। स्पोर्ट्स में जो पहला पेज होता है वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में होता है, तो रणजी ट्रॉफी के संदर्भ में है कि मध्य प्रदेश आज तक एक भी रणजी ट्रॉफी का मैच नहीं जीता है, और वर्तमान में जो बड़ौदा के साथ उसका मैच है उसमें भी हारने की स्थिति में पहुंच गया है। तो इसके संदर्भ में और कोई यहाँ पर ऐसी न्यूज़ नहीं जो हमें पढ़ना चाहिए या हमें ध्यान देना। अगला फिर जो स्पोर्ट्स है उसमें जो नीलामी लगाई गई IPL की, बस उन्हीं के बारे में बात की गई है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि हम न्यूज़ पढ़ेंगे तो वो न्यूज़ है कि वार्टी और नडाल इनको ITF पुरस्कार दिए गए। एस्ले वार्टी और राफेल नडाल इनको इंटरनेशनल टेनिस महासंघ 2019 के विश्व चैंपियन पुरस्कार दिए जाते हैं। ये अंत में नंबर वन रैंकिंग के साथ रहे थे, है ना। वार्टी ने जून में फ्रेंच ओपन जीता था, और राफेल नडाल, इन पर भी इनका नाम राफेल नडाल और ये हमेशा से रहते हैं, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत इतनी रहती है कि कभी कभी पूछ लेते हैं ये किस देश के हैं। इसके अलावा यदि हम और कोई न्यूज़ यहाँ पर खोजें स्पोर्ट्स वाले में तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। फीफा की जो रैंकिंग है भारत उसमें और नीचे चला गया है, तो भारत नीचे चला गया है तो इससे कोई ऐसी गुड न्यूज़ नहीं है जो क्वेश्चन पूछने की बात बनती है। ठीक, अगले पेज पर हम मूव करके देखते हैं तो वही जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके संदर्भ में मनमोहन सिंह ने जो मांग की थी 2003 में उसका वीडियो जारी किया गया है। इसके साथ जो अभी दंगे फसाद किए जा रहे हैं UP में, तो अब जो भी नुकसान हो रहा है सार्वजनिक संपत्ति को जिन्होंने तोड़फोड़ किए उनसे वसूला जाएगा, ये बातें। विरोध करना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए, लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा करना, लोगों की प्रॉपर्टी तोड़ना, ये तो विरोध नहीं ये दादागिरी होती है। तो ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाया जाना चाहिए जिससे भविष्य में कभी भी इस प्रकार के कार्य ना करें। इधर अगर विरोध करते हो दूसरी तरफ आप कोर्ट से भी राहत लेना चाहते हो तो सोचना पड़ेगा इन विरोधियों को कि करना क्या है आपको। या तो आप डरा धमका करके अपनी बात मनवा लो या फिर कानून के तरीके से मनवा लो। यहाँ पर एक न्यूज है, सिडनी में हजारों लोग जो थे जलवायु कार्यकर्ता उन्होंने प्रदर्शन किया था जलवायु के सुधार के संबंध में। नेक्स्ट, झारखंड में अभी चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, तो अंतिम चरण के मतदान के लिए वोट पड़ेंगे, वो संबंधित खबर है। तो इसके अलावा और इसमें ऐसी कोई न्यूज़ नहीं जिसको लेकर के हमें विशेष कुछ पढ़ना पड़ेगा। और फिर भी यहाँ पर एक दो न्यूज़ और देख लेते हैं जिससे कोई संभावना हो। अगले पेज पर मूव करते हैं तो अगले पेज में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कोई भी न्यूज़ पूछी जा सकती है। तो ये आज के पेपर की समरी हो जाती है, बस इन्हीं चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अब ये डे बाय डे आपको डेली इस प्रकार से मिलता रहेगा।